हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंदी कनाड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने LL, DL, रिन्यूअल, डुप्लीकेट एक्सेट्रा जितने भी लाइसेंस हैं उसके एप्लीकेशन डाउनलोड और प्रिंट किस तरीके से कर सकते हैं, उसकी फुल इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना जीमेल अकाउंट साइन इन या लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, उसके साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। परिवहन सेवा वाली साइट पर चले जाइए, ठीक है। DL ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक कीजिए, इसमें स्टेट चूज कर लीजिए भी आपने अप्लाई किया है। उसके बाद इसमें दोस्तों दो तरीके से आप अपने लाइसेंस का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट है, एक तो आप, चलो मैं दिखा देता हूँ, दोनों ही ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद इसमें एप्लीकेशन नंबर डालिए। एप्लीकेशन नंबर क्या है, उसके बाद इसमें डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, सबमिट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ जो प्रिंट फॉर्म वन है इस पर क्लिक कीजिए, ये डाउनलोड हो गया है। ठीक है, ये फॉर्म टू है। इसको इस पर अब क्या करना है दोस्तों, प्रिंट करने के लिए अपने डेस्कटॉप पे कंट्रोल पी एक साथ दबाइए। पहले कंट्रोल दबाइए, कंट्रोल बटन, उसके बाद पी दबाइए, इस तरीके से आ जाएगा। इसमें सेव एज PDF, अगर PDF में सेव करना है तो डेस्कटॉप पे अपने पे, और तो आप यहाँ से सेव कर देना। और इसमें जो भी आप डायरेक्ट सेव करना चाहते हैं डायरेक्ट कर देना। तो ये हमारे डेस्कटॉप पे सेव हो गया है PDF में। मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे है ये, डेस्कटॉप पे रहा, ठीक है, ये हो गया। अगर आपको डायरेक्ट प्रिंट करना है, अब इसको दोस्त जहाँ भेजना आप भेज सकते हो, और अगर डायरेक्ट प्रिंट करना है डायरेक्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल पी कीजिए, कंट्रोल दबाइए पहले अपने सिस्टम में, CTRL होगा पहले वो दबाना, उसके बाद पी दबाइए, तो इस तरीके से आ जाएगा। इसमें प्रिंटर चूज कर लीजिए जो सा प्रिंटर है, ठीक है। ये है HP डेस्कटॉप 58B सीरीज, जो भी है आपका प्रिंटर वो इसमें चूज कर लीजिए। उसके बाद ब्लैक एंड वाइट में निकालना, ब्लैक एंड वाइट रहने दीजिए, कलर में निकालना, कलर पे क्लिक करके आप प्रिंट कर सकते हो। तो ठीक है, प्रिंट कर लेते हैं इसे। तो ये हमारा ऑप्शन, ये साइन आ गया है, स्पूलिंग स्टेटस। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने प्रिंटर के थ्रू भी आप इसको निकाल सकते हैं, डेस्कटॉप पे एज अ PDF आप सेव कर सकते हैं। मैंने दोनों ऑप्शन आपको बता दिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक ऑप्शन तो मैंने इस तरीके से बताया आपको डाउनलोड करने का। अब दोस्तों मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि आप किस तरीके से इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को। आप सीधा यहाँ पे चले जाइए, आ जाइए डाउनलोड फॉर्म्स पे क्लिक कीजिए, उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद इसमें एप्लीकेशन नंबर डालिए, जो एप्लीकेशन नंबर आपका, इसमें डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कीजिए। जैसे सबमिट पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। ओपन कर लेते हैं इसे, ये भी फॉर्म 2 है। इस तरीके से दोस्तों आप दो तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों में सेम वही तरीका है वो, और वही फॉर्म है, ऐसा नहीं है कि बदल जाएगा, सब वही है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने LL DL रिन्यूअल डुप्लीकेट एक्सेट्रा जितने भी लाइसेंस हैं उसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट क्यूरीज है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दोस्तों मैंने अपने इस चैनल पर लाइसेंस के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो बना रखी है,